कुछ तू लेना है मुझे लग रहा था कारी साहब आप हजरात को बरेली पहुंचा दिए हैं, पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप लोग? आला हजरत वाले हैं, एक बार उठाइए हाथ सभी आला हजरत वाले। सुभान अल्लाह, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत के दामन से हमें लगाए रखे। शायर ने कहा था, जो नाम के आशिक है वो नाम ही से जिंदा है, जो नाम के आशिक है वो नाम ही से जिंदा है, और जो जाम के आशिक है वो जाम ही से जिंदा है। तुम खुद अपने बारे सोचिए जनाब, हम तो आला हजरत के नाम ही से जिंदा है। तुम खुद अपने बारे सोचिए जनाब, हम तो आला हजरत के नाम ही से जिंदा है। आइए कलाम आला हजरत के दो तीन शेर आपके नस करता हूँ, मुलाजा कीजिए। पेश हक मुज़्ता शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्ता शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़्ता शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। उससे पहले एक बात बता दो कि मैं कह रहा हूँ कि सुभान अल्लाह कहिए आप हज़रात, सुभान अल्लाह जो समझ में आए तभी कहिएगा सुभान अल्लाह। वरना एक बार ऐसा हुआ था, एक जगह जाना हुआ, तकरीर के दरमियान सभी लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, जैसे आप लोग खामोश बैठे थे। मैंने कहा भला आदमी सब चुपचाप बैठे हैं, कम से कम सुभान अल्लाह जो बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए आप लोग। बिल्कुल खामोश बैठे हैं, सुभान अल्लाह कहेंगे आपके लिए जन्नत में दरख्त लगाया जाएगा, ऐसा सवाब है वैसा सवाब है। जब सवाब के बारे में सुना तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, अब वो हर बात में सुभान अल्लाह, हर बात में सुभान अल्लाह कहने लगा, हर बात में सुभान अल्लाह कहने लगा। नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। का सुभान अल्लाह कह के फंस गया। ये तो खामोश ही अच्छे लगते थे, समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहिएगा, ना समझ में आए तो चुपचाप ही रहिएगा। पेश हक मुज़्ता शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे, और दिल निकल जाने की जाहे आह किन आंखों से वो, दिल निकल जाने की जाहे आह किन आंखों से वो, हमसे प्यासो हमसे प्यासो के लिए या बहाते प्यासो के लिए या बहाते जाएंगे। पेश हक मुज़्ता शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।